सो गाइस, तो फिर आज की इस वीडियो में हम लोग इको फ्लेक्स की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जो कि अमेजोन की तरफ से आती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपने हम आज की ये वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो गाइस चलिए अब इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहां से हम इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो इसके बॉक्स के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मेन प्रोडक्ट आ चुका है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइस ये है हमारा मेन प्रोडक्ट, आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारी इको फ्लेक्स। इसको आप डायरेक्ट प्लग इन करके यूज कर सकते हैं और इसके नीचे आपको एक यूएसबी पोर्ट मिल जाता है और गाइस यहाँ पे साइड में आपको एक ऑक्स केबल लगाने का पोर्ट मिल जाता है जिससे आप कोई भी इसमें स्पीकर वगैरह अटैच कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब आपको इसको यूज करके दिखाते हैं। सो गाइस तो फिर चलिए अब आपको इसको ऑन करके दिखाते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन लगा लिया है और इस एक्सटेंशन में मैं इसको लगा देता हूँ। इसको हमने एक्सटेंशन में लगा दिया है और यहाँ पे हमने एक्सटेंशन ऑन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें ब्लू लाइट जल गई है और ये ब्लिंक हो रही है। जब ये ब्लिंक करना रोक देगी इसका मतलब है कि इसकी लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब आप इसका मतलब यूज कर सकते हैं। सो गाइस तो फिर ये ऑन हो चुकी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इन दोनों एलेक्सा और इको डॉट में आपको डिफरेंस बता देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक यहाँ पे छोटी सी लाइट मिलती है और इसमें आपको पूरी एक रिंग लाइट मिल जाती है और गाइस इसमें आपको एक बहुत छोटा सा स्पीकर मिलता है, मतलब इसकी आवाज आपके मोबाइल फोन के स्पीकर से भी कम होगी और इसमें आपको पूरा एक स्पीकर मिल जाता है, इसमें आप गाने वगैरह बजा सकते हैं और इसमें अगर आप बजाएंगे तो फिर आपको आवाज आ जाएगी, ठीक ठाक है लेकिन बहुत ज्यादा आवाज नहीं है इसकी। और गाइस इसमें आपको चार बटन मिल जाते हैं, इसमें आपको सिर्फ दो ही बटन मिलते हैं जिसमें कि एक आपको सेटअप करने के लिए मिल जाता है बटन और एक आपको म्यूट करने के लिए मिल जाता है। ऐसे म्यूट हो गई या अनम्यूट हो गई, इसमें भी आपको म्यूट करने के लिए बटन मिल जाता है, एक अनम्यूट करने के लिए यही वाला बटन जिससे सेटअप करने के लिए और इससे आप इसको ऑन भी कर सकते हैं, ऐसे इसे आप बंद कर देंगे। और गाइस ये आपको वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए बटन मिलता है, ये फुल है और आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको इसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं। तो गाइस तो अभी इस वाली एलेक्सा को म्यूट कर देते हैं और अब अपनी हम इको फ्लेक्स को यूज करते हैं। चलिए अब इसको यूज करते हैं। एलेक्सा यहाँ का वेदर कैसा हो रहा है? इस समय बदायूं उत्तर प्रदेश में साफ आसमान के साथ तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। आज रात भर ऐसा ही मौसम रहने और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने का अनुमान है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इसने आंसर दे दिया और ये आराम से सुन लेती है, जबकि आपको इसमें दो ही माइक मिलते हैं और आपको इको डॉट में चार माइक मिल जाते हैं, तो लेकिन फिर भी ये अच्छा खासा सुन लेती है। तो चलिए अब आपको मैं बता दूं इससे आप अपने रूम्स की लाइट वगैरह भी ऑन ऑफ कर सकते हैं एक दूसरी डिवाइस की हेल्प से, तो इससे वो भी करा के देखते हैं। एलेक्सा लाइट वन ऑफ। ठीक है। एलेक्सा लाइट टू ऑफ। ठीक है। एलेक्सा लाइट वन ऑन। ठीक है। एलेक्सा लाइट टू ऑन। ठीक है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी लाइट्स वगैरह भी ऑन ऑफ कर पा रही है और सारे कमांड्स ये अच्छे से सुन ले रही है। और गाइस आप चाहे तो इससे एक स्पीकर ब्लूटूथ से भी अटैच कर सकते हैं या फिर आप इसमें एक ऑक्स केबल लगा के स्पीकर अटैच कर सकते हैं, तो वो मैं आपको भी करके दिखा देता हूँ अटैच स्पीकर। तो गाइस तो यहाँ पे मैं एक स्पीकर ले आया हूँ, तो इसको अब हम लोग ऑन कर लेते हैं और इसका जो यहाँ पे ऑक्स केबल मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, एक ऑक्स केबल मैंने यहाँ पर लगा दी है और इसी को हम इधर साइड अटैच कर देंगे। तो अब हमें इस स्पीकर से आवाज आएगी, जो भी आवाज आएगी तो ये आप इसकी आवाज बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। सो गाइस तो फिर इस प्रोडक्ट का बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।